ज्येष्ठ भिक्षु है भंते नाग दीपांकर थेरो, ये इस समय यहाँ पर हमें मिले हैं और इस प्रदर्शनी के विषय में वे बहुत कुछ जानते हैं। भंते जी, ये प्रदर्शनी वास्तव में क्या है? वास्तव में ये प्रदर्शनी बाबा साहब के जो अनन्य पहलू है उनके वैयक्तिक जीवन के संबंध में, राजकीय, सामाजिक और अनन्य पॉलिटिकली जो उनकी वाटचाल है उसके संबंध में, उनके जो जो काम हैं, उनके अलग अलग क्षेत्रों में जो फोटोग्राफ्स लिए गए उनको एकत्रित किया गया है। ये संकलन किसका है? ये दिलीप वानखेड़े जी है पूना से, इनका नागार्जुन संग्रहालय है। तो वो संग्रहालय यहीं पर चलता है? कामठी में चलता है। हाँ। एक पूना में भी है। अच्छा। हाँ, बड़े पैमाने पे अभी हम इसका व्यापक कामठी में भोरपट रोड पे उसका एक नागार्जुन संग्रहालय के स्वरूप में बौद्ध इतिहास संस्कृति संशोधन संस्था के नाम से उसको बड़ा डेवलपमेंट करना चाहते हैं जी। इस पूरे प्रदर्शनी में विशेष कोई बात जिसको आप बताना चाहेंगे? विशेष ये बात है कि बाबा साहब के जो 115,000 कॉइन्स है, बाबा साहब के कॉइन्स है जिसको लिम्का बुक में दर्ज किया गया, उसी प्रकार नागार्जुन संग्रहालय ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नमूद है और उसी प्रकार यहाँ पे बाबा साहब के जो टिकट्स है पोस्ट के वगैरह वो नमूद किए गए हैं। जी जी। भंते जी, आज 61 साल पूरे हो गए हैं धम्म दीक्षा को, इस समय आपकी ओर से क्या संदेश हो सकता है? मैं तो यही चाहूँगा कि 61 साल में जो परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर का जो संकल्प था कि पूरे भारत को बौद्धमय करने का, तो यहाँ जो आने वाली लाखों जनता है वे जनता यहाँ से शिक्षा लेकर संकल्प लेकर अपने आप में एक आदर्श बौद्ध जीवन जीने का प्रयास करें, अपने आप को बौद्ध लिखने का प्रयास करें और अपने परिवार में बौद्ध संस्कृति को अपनाने का प्रयास करें, तो सही मायने में बाबा साहब की जो अपेक्षा है धम्म दीक्षा की वो पूरी की जा सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद भंते जी। आपने प्रदर्शनी देखी है? बोले तो। हाँ, प्रदर्शनी बघितली? हाँ बघितली। हाँ, कशी है? छान आहे एकदम। छान आहे, काय आवडलं त्यामध्ये? त्यामध्ये काय आवडलं आम्हाला, सर्व फाइनल आहे सर्व, म्हणजे काय। अच्छा अच्छा, सर म्हणजे आम्ही बाहेर बघितली का? जेवी जेवी, अभी देखने जा रहा हूं सर। अच्छा, अभी देखने जा रहे हो? आपने देख लिया प्रदर्शनी? देख लिया। कहाँ से आए हो? नोएडा। ये कहाँ है? नागपुर के पास में। हाँ, तुम सर भाई क्या बोला आपने? ये कहाँ है? नवेगांव। तुम सर के पास में? तुम सर, तुम सर। अच्छा, महाराष्ट्र में ही? हाँ। कब आए हो आप लोग? सुबह आए। अच्छा, इस प्रदर्शनी में क्या अच्छा लगा? सभी अच्छे लगे, जो इतिहास बाबा साहब के बारे में बताया गया है ये अच्छा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तुम्ही पाहिले का प्रदर्शनी? हो, पाहिले जरा। तास का कशी आहे प्रदर्शनी? प्रदर्शनी छान आहे। छान आहे, काय आहे समाज कल्याण? 1956 साली जे बौद्ध धर्माची जी दीक्षा घेतली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूरला, बरं, त्याच्याबद्दलची बरीचशी माहिती दिली आहे। आर व्यंकटरामन जेव्हा राष्ट्रपती होते तिथे जेव्हा हे गेले होते त्यांना भारतरत्न जो पुरस्कार जो सन्मान करण्यात आला, भारतरत्न जो सर्वोच्च पुरस्कार देण्यात आला तो आर व्यंकटरामन ह्या माईच्या हस्ते देण्यात आला, हे पण पाहिलं। आणि इतरही काही बऱ्याचशा काही तेही पाहण्याचा म्हणजे काही। चलिए, ये सब लोग लौटे हैं यहाँ से इस प्रदर्शनी को देखकर। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चित्र प्रदर्शनी जो है यहाँ पे, तो महाड़ में जो चित्र प्रदर्शनी डायगन पैलेस में जो है, दीक्षा भूमि के अंदर जो भी है, तो उसकी याद आती है ये सब देखते हुए। अच्छा। और बाहर में जो माता रमाई का और बाबा साहब का जो फोटो रखा है और जो विचार दिए उसमें, तो ये बहुत बड़ी अपने गौरवान्वित होने वाली बात है। चलिए चलिए, ये चित्र प्रदर्शनी इस समय ये सामाजिक न्याय विभाग के उस बड़े कक्ष में लगी हुई है जहाँ से लोग आपको भी थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं। धमपाल जी हमारे कैमरामैन हैं। धमपाल जी, जरा थोड़ा सा इन चित्रों की ओर चलते हैं। आइए, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा जगह बना दीजिए, थोड़ा जगह बना दीजिए। क्या देख पा रहे हैं आप लोग? यहाँ से दिखाइएगा, थोड़ा थोड़ा हट जाइए, थोड़ा हट जाइए। ऐसे यूं ही इन सारे प्रसंगों के साथ
मतलब यहाँ सिर्फ चित्र ही नहीं, चित्र के साथ उसके प्रसंग भी बने हुए हैं, और वो किन किन प्रसंगों के वो चित्र है, छायाचित्र है, इसकी पूरी जानकारी भी इसमें है। अभी तो नागार्जुन संग्रहालय की इस पूरी प्रदर्शनी को आपको नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है, हमने जोड़े रखा है आपको दीक्षा भूमि से। मंगल की बोली हो जाए सुख कर भूमंडल की बोली, तथागत के तत्वों से मिटाएंगे हम जुल्मी और स्वार्थी मारों की टोली, जुल्मी और स्वार्थी मारों की टोली। सुख कर है, सुख कर है, सुख कर है बुद्ध का जन्म, सुख कर है, सुख कर है, सुख कर है, सुख कर है बुद्ध का जन्म, सुख कर है। इति सो भगवान संवासं बुद्धो। कक्ष में ये जो प्रदर्शनी लगी है नागार्जुन संग्रहालय की, जिस कलाकार ने और जिस संग्रहकर्ता ने इसको संग्रहित किया है, वे वानखेड़े जी, जिसका अभी अभी उल्लेख ही किया था भंते नाग दीपांकर जी ने, वे यहाँ पर पहुँचे हैं। वानखेड़े जी, जय भीम। जय भीम जी, जय भीम। एक बड़ी प्रदर्शनी है और इतना बड़ा संकलन है, कैसे ले आए आप? नहीं, ये तो सब बाबा साहब की प्रेरणा है, और हमने अपने जीवन में बाबा साहब को अपनी प्रेरणा बना के, इस जीवन को ही बाबा साहब बनाने का और बाबा साहब को आगे बढ़ाने का ही हमारा संकल्प है सबसे बड़ा। लेकिन आपकी उम्र तो वो नहीं लगती जो बाबा साहब के वक्त की रही होगी, आप तो उनके बाद वाले लगते हैं। ये सारे तैल चित्र आपको कैसे मिल गए जी? ये सारे छाया चित्र आपको कैसे मिल गए जी? ये बराबर है कि मैं बहुत ही छोटा हूँ, और उनसे उम्र में ही नहीं तो अपने आयुष्य में भी छोटा हूँ मैं, क्योंकि उनके जो विचार है वो मेरे विचारों से लगकर नहीं है, क्योंकि उनके विचार उच्च विचार के उच्च विचार है उनके है। नहीं, लेकिन ये छायाचित्र मिले कैसे आपको? ये जी है, ये मैं बचपन से ही जमा कर रहा हूँ। अच्छा। और बाद में करते करते इसको बढ़ावा देते हुए मैं छायाचित्र तक आ गया, और आज ये लोगों तक के प्रदर्शनी में डाल कर तकरीबन आज 40 साल से ये प्रदर्शनी में कर रहा हूँ। लेकिन गए 2015 से लेकर मतलब 2000 यानी कि बाबा साहब की भी समाज को बाबा साहब पता चले और आगे की पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा बने, इसलिए हम ये प्रदर्शनी लगाते हैं, और आगे चलकर बहुत सालों तक ऐसे ही करते रहेंगे। और ये हमारा जो समाज है ये हमारे लिए पीछे है, और उनकी प्रेरणा देखकर, उनका भाव देखकर ही हम आगे चलते हैं। बहुत धन्यवाद। ये दरअसल वानखेड़े जी की सहचारिणी है, और इस वानखेड़े परिवार ने ये इकट्ठा इस पूरे काम को अंजाम दिया है। इन दोनों को धन्यवाद देते हैं, बधाइयां देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि से। ये रिपब्लिकन मूवमेंट का स्टॉल है, और रिपब्लिकन मूवमेंट के संपादक और एक बड़े ही ज्येष्ठ कार्यकर्ता रिपब्लिकन आंदोलन के और दलित पैंथर आंदोलन के, दलित मुक्ति सेना के आंदोलन के नरेश वहाने जी इस समय हमारे साथ हैं। वहाने जी, 61 साल बीत गए, बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, कैसा समझ पा रहे हो इस पूरे आंदोलन को और इस परिस्थिति को? बहुत अच्छा है। अभी इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, जो अपन राजकारण को लेके जो बातें करते हैं उसको साइड में रख के धम्म का प्रचार देश में, विदेश में, नागपुर से और देश में, देश के बाहर जो विदेशों में जा रहा है, बहुत अच्छे से जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बाबा साहब का सपना जो था भारत बौद्धमय का, वो दुनिया भर में बाबा साहब का सपना बौद्धमय होगा, ऐसा आने वाले सालों में कुछ साल लग सकते हैं, थोड़ा दिन लग सकते हैं। अपने को अब नागपुर की जिम्मेदारी बनती है, नागपुर के कार्यकर्ताओं की ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि धम्म का प्रचार करें। मैं खुद धम्म का प्रचार करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलनों का प्रचार करता हूँ, और ये सारा साप्ताहिक रिपब्लिकन मूवमेंट निकाला है, और एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था नामांतर के लिए, उस नामांतर का आंदोलन का एक लॉन्ग मार्च हुआ था, लॉन्ग मार्च का इमो नारनोरे सर ने किताब लिखा है, उसका मैंने प्रकाशित किया है, और ये हमारे स्टॉल पे रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मैं यहाँ देख रहा हूँ कि विजय पाटिल साहब जो कि अम्बेडकरवादी आंदोलन के बड़े ज्येष्ठ कार्यकर्ता है और दलित मुक्ति सेना से हमने उनको देखा है, कैसा समझ रहे पाटिल साहब? आज तो ये धर्म शुक्र प्रवर्तन दिन है, जिस तरह का आज जो माहौल देखने जा दिखा जा रहा है, ये आज अत्यंत खुशी का दिन है हमारे लिए कि जो बाबा साहब ने इस पवित्र दीक्षाभूमि के 14 अक्टूबर 1956 को हमें दीक्षा दी है, तब से आज तक लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में एकत्रित हो रहे हैं। और ये पूरे देश में देखा जा रहा है कि जिस तरह के बाबा साहब ने दीक्षा दी, उसके बाद में जो धर्मांतर का जो सत्र जो चालू है वो अभी तक कंटिन्यू उस तरीके से हो रहा है जो बाबा साहब का सपना था कि पूरा भारत बौद्धमय करेंगे, उस दिशा के अंदर में ये देश आगे बढ़ रहा है। और हमें भी अभी सजग रहने की गरज है, जिस तरीके से लोग धर्मांतर ले रहे हैं उन्हें भी उस तरीके से हमें, जैसे बाबा साहब ने हमें कुछ खतरे बताए थे, उससे सजग रहते हुए हमें, हम सबको अडॉप्ट करने की, जो धर्मांतर ले रहे हैं उन सबको अपने आप में संभाल लेने की और एक दूसरे के अंदर रोटी बेटी करने का व्यवहार करने की आज अत्यंत आवश्यकता है। तब तक जिससे बाबा साहब का जो सपना था वर्ग विभिन्न जाति विभिन्न समाज की निर्मिति करना, ये उसके बगैर संभव नहीं हो सकता। चलिए बहुत धन्यवाद। एक जाति विहीन समाज की रचना में इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि 61 साल बीत गए हैं और इन 61 सालों में जो हासिल है उस हासिल का एक बेहतर मूल्यांकन होना चाहिए। इस समय आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मेरे पीछे ये समता सैनिक दल की रैली निकली हुई है। समता सैनिक दल इस तरह से इस रैली को निकालता है और अपने आदर्श को, अपनी प्रेरणा को वो सैल्यूट करते हैं, अपना सैल्यूटेशन देते हैं। धम्मपाल जी आप थोड़ा सा रैली दिखाएंगे। दीक्षाभूमि से क्या संदेश होगा? दीक्षाभूमि हमारी पवित्र और प्रेरणा भूमि है। इस मिट्टी से इस देश में बुद्ध के धम्म का आगाज होना चाहिए और बुद्ध और उनका धम्म जो मानवता का धम्म है, ना किसी जाति धर्म पंथ और इससे रहने वाला नहीं है। तो इस पवित्र दीक्षाभूमि से हम उस हर आदमी को इंसान बनाने के लिए प्रेरणा देने की भूमि की बात करते हैं। हर एक आदमी को आदमी बनाने की ये भूमि है और यही वो प्रेरणा है जो यहाँ से आ रही है। समता सैनिक दल इस समय अपना पथ संचलन कर रहा है और इस पथ संचलन के साथ ये अपनी प्रेरणा को, अपने आदर्श को सैल्यूट करने यहाँ जा रहा है। पल पल स्थिर रहो गौतमा, खुशियां बिना दी गौतमा, अब गाए गए जग सारा गौतमा, अब खुद से मैं खुद लड़ू, दुख से भी खुद लड़ू, सच को मैं सच मानू गौतमा, जग को मैं जग जानू गौतमा, गौतमा गौतमा। बहुत अच्छा प्रतिसाद लोगों का मिल रहा है। पिछली बार की पॉलिसी कितनी थी? ये लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हम लोग के SST एम्प्लॉइज, इस नाते आपकी क्या भूमिका बनती है इन सब चीजों वाला? पूरा ये इंश्योरेंस बैंक वगैरह पूरा प्राइवेट ही था। 1974 में बाबा साहब आया था, बुद्ध है का महत्व बताया था। बहुजनों का पैसा बहुजनों के पास। भारत में पहली बार अमित एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं मानव नोटबुक्स रजिस्टर्स, जिस पर छपा है भारतीय संविधान की प्रस्ताविका,
बुद्ध के कल्याणकारी मानवतावादी विचार, महापुरुषों का जीवन कार्य तथा संविधान प्रदत्त आपके मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी। किसी भी अन्य ब्रांड तथा मार्केट वैल्यू से सस्ता और टिकाऊ, केजी से पीजी तक के विद्यार्थियों के लिए मानव नोटबुक्स तथा रजिस्टर्स, स्कूल कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट के लिए विशेष डिस्काउंट। राष्ट्र, समाज तथा मानव विकास के लिए आज ही खरीदिए मानव नोटबुक्स एंड रजिस्टर। संपर्क करें अमित एंटरप्राइजेस, गांधी चौक, गांधी पुतले के पीछे सदर, नागपुर। प्रोप्राइटर अमित सहारे, 9325189184, 7620189184। सर, दलित अत्याचाराच्या न्यायालयीन खटल्यांची आणि पोलिसात दाखल झालेल्या खटल्यांची काय स्थिती असते? आपण या देशातल्या दलितांच्या संदर्भामध्ये मी आत्ता बोलतानाही सांगितलं की न्यायालयीन खटल्यांची स्थिती ही या देशातली कशी आहे, कारण या देशातले न्यायालयीन खटले जे आहेत हे न्यायालयीन खटले हे फार वेगळ्या पद्धतीने हाताळले जातात। हे न्यायप्रविष्ट असलेले खटले 2012 हा एक तक्ता हा नॅशनल